हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगैन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8C का जो 8th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। ये भी देखो सिमिलर है 6 और 7 की तरह ही, जैसे आपने उनको सॉल्व किया है ना, गायब कर करके नंबर्स को, जैसे कट पिट करके, सेम वैसी काम यहाँ पर करना पड़ेगा। बस फर्क यही है कि यहाँ पर हमको सिंपल नंबर्स दिए गए थे, यहाँ पर फ्रैक्शन बना करके दिया हुआ है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत हो। ये जो फ्रैक्शन बनाया है ना, इससे काम और आसान हो गया है। चलिए मैं आइए कॉपी में समझाता हूँ कि आपका काम कैसे आसान कर दिया गया है। देखो, सबसे पहले आपको a/3 = b/4 और c/5 दिया हुआ है, आपस में तीनों इक्वल हैं और हमको तीनों का रेशियो फाइंड करना है, ए बी और सी का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों में बताया है कि आप ए का और सी का वैल्यू निकाल लो, बी का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करो, ये जो हमारा a/3 है, तो यहाँ से आप लिखो इसको a/3 जो है इक्वल है b/4 के। तो यहाँ से हमको केवल अगर ए का वैल्यू निकालना रहेगा तो 3 को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो a = 3b/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर नीचे था तो राइट साइड में जाकर के वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। सेम टू सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है। जैसे यहाँ पर b/4 = c/5 है, तो यहाँ से अपने को c की वैल्यू निकालनी है तो 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हमारा 5b/4 = c हो जाएगा। तो a का वैल्यू निकल गया और इधर से हमारे पास c का वैल्यू निकल गया। c इक्वल टू इतना लिखो या फिर इतना इक्वल टू c लिखो, बात तो एक ही होता है, तो बस c का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करना है, a b और c तीनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे a b और c तीनों का जो रेशियो होगा, तो अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पर जो नया वैल्यू है ए और सी का वो पुट करेंगे। तो यहाँ पर नया वैल्यू क्या है, ए का 3b/4 है, तो ये लिख लो, रेशियो का साइन लगाओ, बी के जगह में बी ही रहने दो और सी के जगह में हमारा 5b/4 कर दो। अब इससे फायदा क्या हुआ, सभी में बी आ गया है ना, तो हम क्या करेंगे, अब सभी को डिवाइड देते जाएंगे और साफ करते जाएंगे। सबसे पहले इस बी को यहाँ से साफ करते हैं, तो साफ करने का मेरा मतलब है गैप करना। गैप कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो बी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है, इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है और ये भी न्यूमरेटर में है, तो हर जगह अगर मैं बी से तीनों में डिवाइड दे दूंगा तो ये बी क्या हो जाएगा, नीचे वाले बी से कट हो जाएगा। जैसे देखो ऐसे हो जाएगा, ये हमारा अगर मैं इसे बी से डिवाइड देता हूँ नीचे, तो ऊपर और नीचे b कट हो जाएगा, तो बचेगा 3/4। ठीक है, आप लिख सकते हो साइड में कि डिवाइडेड बाय b, समझ आया ना। अगर आप स्टेटमेंट ग्राफ फेयर में बना रहे हो तो ऐसे लिख लेना कि हमने इस स्टेप में क्या है, b से सभी को डिवाइड कर दिया है। तो यहां पर भी b से डिवाइड हुआ, यहां पर भी b से डिवाइड होगा, तो नीचे का b ऊपर का b कट हो जाएगा, तो केवल 1 बच जाएगा, और यहां पर भी b ऊपर नीचे कट हो जाएगा तो 5/4 बच जाएगा। ठीक है, ये तीनों हमारे पास अब रेशियो आ गए। अब बी से यहाँ से साफ हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसको भी क्या करना पड़ेगा, होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी भी आप देखना कि जो रेशियो रहता है ना, तो 99% आपको वो क्या दिखेगा, अगर होल नंबर में ही दिखेगा। और आप ऑप्शन भी देखोगे भी, तो ऑप्शन भी हमको होल नंबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको भी होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो नीचे में 4 है, यहाँ भी नीचे में 4 है, तो अगर मैं 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर में, तो नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा, तो बस इसका मल्टीप्लाई करो। देखो इस तरीके से, ये हमारे पास 3/4 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर ये हमारे ऊपर में 4 हो जाएगा। सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई 4 का होगा, ये ध्यान रखना, अगर आप 1 के साथ भी 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सभी के साथ करना पड़ेगा, और लास्ट में जो हमारे पास 5/4 है, इसके साथ भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा अब ये होल नंबर बन गया। यहाँ पर 3 बज गया, यहाँ पर 4 बन जा 4 आ गया, और यहाँ पर 5 बज गया 4 के कट होने के बाद। तो 3, 4 और 5 क्या होगा, इसका रेशियो होगा ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4:5। और ये ऑप्शन हमको कौन सा दिया भैया, तो पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर ही इसका ऑप्शन है 3, 4, 5, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। देखा, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था उससे भी ईजी था ना, तो अगर इस टाइप से दिया रहे तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना। जो बेसिक आपका नॉलेज है, जो बेसिक तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो ना, वही मेथड यूज करें, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ना सभी सॉल्व होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से बेसिक मेथड से सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।